वेलकम बैक दोस्तों, मैं श्रीआर जावड़ा एक बार आपका फिर आईएल एकेडमी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा लग रहा है आपको मेरे वीडियो सुन के, देख के, पीडीएफ प्राप्त करके? आपने पीडीएफ पढ़ी नहीं पढ़ी? चलो, मेरी अंदर आत्मा कह रही है कि आप पढ़ रहे हो। चलिए, वेरी गुड। देखिए बच्चों, बोर्ड स्टूडेंट को ढंग से तैयारी नहीं करोगे तो आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बेसिक बातें सिखा रहा हूं, मैं भी आप ढंग से पढ़ते जाए, अभी काफी टाइम लगेगा चैप्टर शुरू होने में। और तो आज अपन आपकी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में आप उस ऐप के माध्यम से वीडियो प्राप्त करते रहें। अगर किसी को वीडियो नहीं मिल रहा है तो ऐप से वीडियो ले लें, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, एक एग्जांपल भी दिया था, युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है अपने उर्वशी रोहित के लाभ, ठीक है ना। तो उसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, ठीक। इसके आगे क्या है सुनिए। विद्युत क्षेत्र तो हमने कह दिया कि एक आवेश कण अपने चारों तरफ एक रीजन बनाता है, एक एरिया बनाता है, उसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पर कभी अपन ये सोचें कि विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण, कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या रीजन है, कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति के पीछे, तो वो हम रीजन देखते हैं कौन से हैं। दरअसल पहला है स्थिर आवेशों के कारण, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, स्थिर आवेशों के कारण। और दूसरा है गतिमान आवेशों के कारण, गतिमान आवेशों के कारण, इसको मैं बोलूंगा ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, इसको बोलूंगा मैं ड्यू टू डायनामिक चार्ज। गॉट? देखिए, कल मैंने जैसे बोला था कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये आवेश कण है, वो अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, एक ऐसा परिसर बना रहा है। तो मैंने कल बोला क्या कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से हटकर यहां आया हो, यहां गया है, यहां गया, यहां गया, ऐसा तो नहीं। मैंने बोला कि ये आवेश कण अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा जिसमें दूसरे आवेश कणों के प्रभाव में ये क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो ये स्थिर है, ये स्टैटिक है, फिर भी अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे मूल जिम्मेदार कौन, रेस्पॉन्सिबल है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, स्थिर आवेश। तो कहने का मतलब स्थिर आवेशों के कारण भी विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों, जो एक से चार चैप्टर तक है, एक भौतिक विज्ञान की विशेष शाखा जिसको मैं बार बार नाम से संबोधित कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन सिर्फ स्थिर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति और उन आवेशों के बीच होने वाले क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का क्या करते हैं, एज ए स्टडी करते हैं, या इस ब्रांच में हम डील करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज पार्टिकल को स्थिर माना गया हो, स्टैटिक कंसिडर किया गया हो, और उसी के रेस्पेक्ट में उसके सारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो ऐसी ब्रांच को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की नाम देते हैं। ये तो अपनी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो एक से चार चैप्टर तक चलेगी, क्लियर। अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो है कूलॉम नियम।
क्योंकि कूलाम नियम जो कूलाम लॉ है वो हमेशा स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के लिए फॉलो होता है। कूलाम लॉ इज एक्ट ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर डायनामिक चार्ज पार्टिकल, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक को सिद्ध करने वाला सबसे बेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाएगा और वो है कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। अगर हम देखें कि वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक डेली लाइफ में या जीवन में कहां काम आती है, तो सुनिए जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक काम आती है, क्योंकि उसमें स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स कंपन करते, कंपन करने की वजह से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोस्टैटिक काम आते हैं। कैथोड रे ट्यूब होती है, उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कहने का मतलब है जो चार्जिंग होता है, आवेश निरावेश होता है वहां पे, तो कैथोड रे ट्यूब में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक काम आता है। क्लियर? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को विशेष रूप से काम में लिया जाता है। अब देखिए दूसरा जो कारण पढ़ रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का, वो है गतिमान आवेशों के कारण ड्यू टू डायनामिक चार्ज पार्टिकल। तो सुनिए इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूवेबल गतिशील है तो सीधी बात है वो गतिशील है, इसका मतलब उसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, वेग है, त्वरण है, सब कुछ। तो ऐसा आवेश क्षेत्रण क्या करेगा, अपने चारों तरफ दो प्रकार के क्षेत्र बनाएगा। इट्स प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ रीजन, कौन कौन से रीजन है वो सुनिए। इसके अंदर पहला वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो कहने का मतलब है एक आवेश क्षेत्रण अगर गतिमान है, डायनेमिक कंडीशन में है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति तो करता ही है, साथ में क्षेत्र की उत्पत्ति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति भी करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा हाई मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एकदम क्या होगा, चिपक जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, या अपन कहे वहां का वहीं ऐसे अपन कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जैसे आपने थ्री के अंदर लास्ट में देखा होगा जो काल था, जैसे उसने कृष्णा ने बटन स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हुआ और काल जो मेघ हो रहे थे वो फटाक से वहां पे क्या हो गए, स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है वहां तो बटन से हुआ, पर यहाँ पे कौन करेगा, एक गतिमान आवेश क्षेत्रण प्रोड्यूस करेगा, एक डायनेमिक चार्ज पार्टिकल उसे उत्पन्न करेगा। तो क्या आपको ये चीज समझ आई, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2012 या 2013 में, गतिमान आवेश कौन से क्षेत्र निर्मित करता है, कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर सिर्फ डायनामिक चार्जेस हो, गतिशील आवेश हो, तो याद रखना दोस्तों उस भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या नाम दिया जाता है, धारा वैद्युत की। क्या नाम देंगे, धारा वैद्युत की, जिसे इंग्लिश में नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक। और ये शाखा अपनी शुरू होगी 5 से 9 चैप्टर तक। तो धारा वैद्युत की इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर एक आवेश कण गतिशील रहता है, गतिशील अवस्था में वो जो जो भी कार्य करता है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली ये ब्रांच कहां काम आई, कौन है इसका बेसिक एग्जाम्पल, तो इसका बेसिक एग्जाम्पल जैसे यहां भी मैंने नियम बताया, तो यहां भी मैं आपको नियम बताता हूं। धारा वैद्युत की को ऑरस्टेड प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं, जो आपके 7 चैप्टर में आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है आपको फिजिक्स के अंदर, बस इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिए। ऑरस्टेड लॉ जो है वो डायनेमिक चार्ज या इलेक्ट्रोडायनेमिक का बेसिक एग्जाम्पल है। और मेन इसका कहां एप्लीकेशन हुआ था, कहां अप्लाई हुई थी इलेक्ट्रोडायनेमिक, तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस था जो आपके सिलेबस में नहीं है पर सीबीएसई में है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक विशेष रूप से यूज में ली जाती है। तो बच्चों क्या आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन अभी भी समझ आया, नहीं आया, मेरी अंतरात्मा कह रही है आपको ये समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके आगे अपन और डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने अभी तक 2 शाखाओं के नाम बताए हैं, 2 ब्रांचेज हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक धारा वैद्युत की।
फिजिक्स की एक शाखा और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से आपको समझ आएगा कि कैसे वस्तुओं पर आवेश आता है और वो क्यों आता है, कितना आता है, किस प्रकृति का आता है, समान प्रकृति वाले आवेशों में क्या होगा, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों में क्या होगा, ठीक है ना। वो ब्रांच जब अपन डिस्कस कर लेंगे तो हमको चार्ज की नेचर, आवेश की प्रकृति, आवेश के गुण सब के सब हमें समझ आ जाएंगे। उसका मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सुपुर्द करूंगा। इससे पहले आप जितना हमने पीडीएफ जो आपको मैंने लिंक भेजा है सेंड की, उसमें जितना इंक्लूड है आप यहाँ तक इसको डिस्कस कीजिए, पढ़िए वो, और उस ब्रांच का नाम है घर्षण रजत की जो अब आगे आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कीजिए आप हमारी इस क्लास से जुड़े, क्योंकि मैं पहला चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ और आप उसको रिपीट करोगे ढंग से तो और अच्छे ढंग से समझ आएगा। साथ में इसमें न्यूमेरिकल वगैरह जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करेंगे, और अगर किसी का डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर आपको पता ही है मेरे, आई अकेडमी सर्च करके आई अकेडमी चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।